की रखने से फर्क है ना, भाई रखने से ये खाओगे प्याज और नहीं चलेगा, दही नहीं चलेगा, दही नहीं। तो गाइज मैं आया हूँ इंदौर में हेड साहब के पोहे के पास, सो चलिए बात करते हैं और इनको पूछते हैं कि इनके यहाँ का मेन फेमस क्या है। तो हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम क्या सर? पंकज पालीवाल। सो नाम ये यूनिक ऐसा कैसा कि हेड साहब के पोहे, मतलब क्या होता है सर? पुलिस की नौकरी छोड़ के, पुलिस में थे फादर, ओके, उनने पुलिस की नौकरी छोड़ के काम चालू करा था, उनको खाने और खिलाने का शौक था खूब। ओहो, तो इसी थाने पे थे तो सब जने एड़ता भी पद पे थे। अच्छा, तो वो सब एड़ता बोलने लगे तो बसुजी नाम से। ओ, तो ऐसे कब स्टार्ट हुआ वैसे? मतलब 35 साल हो गए। 35 इयर्स हो गए। ओ नाइस। सो क्या क्या डालते हो सर पोहे में वैसे आप? सर पोहे में उसल में पनीर डलता है, दही डलता है, क्रीम डलता है। ओके, क्रीम जो अमूल की क्रीम आती है वो? ओके, गाइस देख सकते हो अभी ये पोहे लगा रहे हैं, उसमें काजू भी आता है जी। देख सकते छोले आ रहे हैं इसमें और ये आ गया तरी, इसको तरी बोलते हैं, और ये आ गया मछली के पीसेस। ये पोहा में वैसे क्या क्या पड़ता है सर? वही तो नॉर्मल लेते हैं, वही जो बनता है सर उसमें हींग, राई, जीरा, सौंफ। अच्छा, और ये काजू बादाम भी डालते हो क्या? काजू एंड किशमिश आता है इसमें। सो गाइस देख सकते हो ये इसको क्या बोलते हैं, उसल। उसल तो यहाँ का उसल बहुत अलग है, तो इसमें पड़ते हैं छोले एंड पनीर। ओके, ये छोले हैं और ये है पनीर। ठीक है, एक प्लेट लगा लीजिए ना सर। तो गाइस ये लग रहा है अभी हमारा प्लेट, पोहा, छोले, तो दही नहीं चाहिए ना? नहीं, दही नहीं। प्याज डाल दो? हाँ, हल्का सा बस। सो गाइस देख सकते हो ये अभी हमारा हेड साहब के पोहे रेडी हो चुके हैं, एकदम यूनिक तरीके से। तो सर जी इसका प्राइस कितना होता है? 40 पनीर के पीस के साथ भी 40 रुपीज़। और यहाँ का एड्रेस क्या है? एड्रेस तो सर ये नवनीत टावर। ओके, कौन सा टावर बोला जाता है इसको? नवनीत टावर। नवनीत टावर, ओके। एंड यहाँ का टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग सुबह 7 बजे से 11। ओके, थैंक यू। ऐसा नहीं कि मेरे को छोड़ के तुझे पकड़ दे साले, लेकिन ऐसा मत कर देना गड़बड़ मामला की, उसका भविष्य तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है यार। नहीं,
80 रुपए मिले।